हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। कल मैंने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल ये किया था। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसमें से ज़्यादातर 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी मतलब इक्वल, एक ऐसे सरफेस की बात कर रहे हैं हम जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता हो। सच सरफेसेस at every point of which electric potential remains same are called equipotential सरफेसेस। ऐसे सरफेस जिनके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है उन्हें हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज है और हमें पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पता था V दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ये पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल था पॉजिटिव का। आप इसमें देखेंगे कि गिवन चार्ज के लिए ये पूरा कांस्टेंट है तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, R। यदि R भी कांस्टेंट हो जाए, R क्या है, पॉइंट चार्ज से गिवन पॉइंट की डिस्टेंस, तो यदि मैं R भी कांस्टेंट ले लूं, बाकी सब तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट ले लिया तो V की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो जाएगी। मतलब Q चार्ज से R डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। तो मैं एक काम करता हूं कि इस पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं ऑल डायरेक्शन में उन सबको मिला दूं तो उनका लोकस क्या बनेगा R डिस्टेंस पे, यानी कि इसको सेंटर मान ले और R रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर दे तो उस स्फीयर के ऊपर, देखिए स्फीयर के ऊपर हर एक पॉइंट R डिस्टेंस पे है ना, ईच पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस R, तो इसका मतलब ये स्फीयर है। ये ध्यान रखें, ये क्या है, स्फीयर, ये स्फीयर है, तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी तो क्या बन गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस तरह से हम अलग अलग रेडियस के बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं, पॉइंट चार्ज का ही बताता हूं ड्रॉ करके। पॉइंट चार्ज का जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो ये जैसे एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो इसके हम अलग अलग रेडियस के, अलग अलग रेडियस के हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ले सकते हैं। आप अलग अलग रेडियस के, कितने भी रेडियस का कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ले सकते हैं। पॉइंट चार्ज से क्या निकलती है, ये जैसे पॉइंट चार्ज है हमारा प्लस क्यू, इससे क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस तो रेडियली निकलती है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो निकल रही है रेडियली आउटवर्ड्स। और यदि ये नेगेटिव चार्ज होता है ना तो फिर आती बस ये अंदर की तरफ कर देते एरो, तो उसके लिए नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर आती है ना, पॉजिटिव के लिए बाहर जा रही है। तो ये पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पॉइंट चार्ज पॉजिटिवली है। यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं, जैसे ये जो सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस और फिर जो दूसरा किया था, इनके बीच में जो मैंने गैप लिया है वो कम लिया है, और फिर जो अगले दो हैं ये और ये,
इनके बीच में गैप ज्यादा लिए है, अगले जो दो हैं उनके बीच में और ज्यादा लिए है, और इस तरह से गैप जो है वो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो बढ़ता जा रहा है। आप ये सोचोगे कि इसके पीछे पता नहीं क्या वजह ऐसे ही आएंगे। पहली बात, ऐसा जरूरी नहीं कि आप किसी भी रेडियस का ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी रेडियस का। और मैंने जैसे शुरू में कम स्पेस लिया, फिर ज्यादा फिर और ज्यादा ऐसे लिए, ये भी जरूरी नहीं है। आप चाहो तो इक्वली स्पेस्ड भी ले सकते हैं। इक्वली स्पेस्ड मतलब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इक्वल स्पेसिंग पे भी ले सकता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसकी एक खास बात है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसकी एक खास बात है। वो खास बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैंने क्या कॉन्स्टेंट लिया है, बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट है। मतलब पहला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके हर पॉइंट पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, और नेक्स्ट जो है उसके भी हर पॉइंट पे सेम है, लेकिन इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है पहले वाले के ऊपर जो वैल्यू थी वो तो अलग अलग होंगी ना भाई। पहले वाले पे ज्यादा होगा पोटेंशियल और आगे वाले पे कम होगा, इस पे और कम होगा, इस पे और कम, इस पे और कम। मतलब जैसे ये है भार वाला, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल, इसके तो हर पॉइंट पोटेंशियल सेम है लेकिन इससे अलग है, जो इससे पहले वाला है चाहे इससे बाद में है। अब जैसे ये है इससे पहले वाला, इसके भी हर पॉइंट पे सेम है लेकिन इस पे मान लो वैल्यू हर पॉइंट पे v1 है तो इसके हर पॉइंट पे v2 होगी, डेफिनेटली v2 v1 से कम होगा यदि पॉजिटिव चार्ज है। तो दो के बीच में तो डिफरेंस होगा ना। तो यहां पर हमने पता है क्या लिए, हर एक दो कंजक्यूटिव के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम है। जैसे इसके और इसके बीच में मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है dv, तो इसके और इसके बीच में भी dv है, इसके और इसके बीच में भी dv है, इसके और इसके बीच में। यहां पर हमने इस तरह से ड्रॉ किए हैं ये कि बिटवीन टू सरफेसेस कंजक्यूटिव सरफेसेस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमने कॉन्स्टेंट लिया है। और कांस्टेंट लेने पे ये ऐसे क्यों आ रहे हैं कि इनके बीच में गैप ज्यादा है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इनका वही है जो इन दोनों का है, पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां है वही है। लेकिन गैप बढ़ता जा रहा है। ये गैप क्यों बढ़ता जा रहा है ये मैं आपको एक टॉपिक कराने के बाद, एक छोटा सा टॉपिक उसके बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो एक पोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के ऐसे है। नेगेटिव चार्ज होता तो आपको क्या करना है, सेम इसी तरह से ड्रॉ करने है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ शो करनी है। ओके, इस तरह से शो करनी है। व्हाट आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपसे पूछ रहे। तो देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, कल भी बताया था मैंने, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से जो कि इक्वली स्पेस्ड होती है उससे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। This is uniform electric field. आपने यहां से एक चीज सीखी कि जो इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स है वो तो स्ट्रेट है लाइक रेडियस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो स्फीयर है, यानी कि और रेडियस स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। इससे हमारे पास एक आसानी हो गई, यूनिफॉर्म फील्ड है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी लाइंस। तो जब फील्ड लाइंस पैरेलल है तो प्लेन कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा ना, प्लेन होगा इस तरह से, इसके परपेंडिकुलर जितने पॉइंट होंगे सबको मिला होगा तो प्लेनर आएगा ना। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म फील्ड का हम क्या लेंगे, प्लेनर, प्लेन। ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है जो कि मैंने यहां पर इक्वली स्पेस लिए, यहां पर आप इक्वली स्पेस ले सकते हो। So these are the equipotential surfaces for uniform electric field जो के plane होंगे। Point charge का मैंने बताया, मान लो दो चार्ज है, दो point charge, ये plus Q1, ये plus Q2, ठीक है, इस तरह से दोनों पॉजिटिव है। इनके कैसे होंगे, दोनों point charge के इस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे और इस तरह से। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे,
क्योंकि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर गए तो फील्ड की डायरेक्शन फिर दो हो जाएंगी। सो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। यहां पर आप देखेंगे कैसे है, दोनों पॉइंट चार्जेस के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ऐसा हो जैसे अट्रैक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, देख रहे हो आप इधर अट्रैक्ट कर रहे हैं और लास्ट में फिर ये ऐसा आएगा। तो ये ऐसा क्यों आया, आप जैसे मान लो आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन हो, ये इसी तरह का क्यों आया, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस लोकस है, लोकस उन सभी पॉइंट का जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो इन इस ये पॉइंट लिया जैसे हमने, इस पॉइंट पे इसका भी पोटेंशियल होगा इसका भी, ठीक है, और ये पॉइंट लिया तो यहां इसका भी है इसका भी है, तो टोटल पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, इसलिए इस तरह का आता है। व्हाट अबाउट द डाइपोल, यदि हम डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो जैसे ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और ये नेगेटिव, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो किस तरह का आएगा देखिए, सेम उसी तरह से आएंगे, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं। दोनों चार्जेस के बीच में एक पॉइंट आता है जिसको जिसके ऊपर हम इक्विटोरियल लाइन ही ड्रॉ की थी हमने, और इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर इक्विटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल जीरो होता है, तो इनके ऐसे ही रह जाएंगे, इनका ऐसे नहीं करना, ऐसा नहीं होगा, इनका ऐसा ही आएगा बस, ठीक है, क्योंकि यहां जो इक्विपोटेंशियल इक्विटोरियल जो प्लेन आएगा वहां तो पोटेंशियल जीरो होता है, तो इस तरह का बनेगा। यहाँ पे जो लाइक चार्जेस है दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो ऐसा लगेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अपोजिट चार्ज है तो ऐसा लगेगा कि वो रिपेल कर रहे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या खास बात है मैं आपको बता देता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कई बार कि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए या पॉइंट चार्ज के लिए या डाइपोल के लिए, वो आपको ड्रॉ करवाना पूछ सकता है। एक चीज और, जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज का ही ले लें, और आपसे पूछे कि किसी पॉइंट चार्ज क्यू नोट को इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट ए से किसी दूसरे पॉइंट बी पे लेके जाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी पे लेके जाते हैं, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो यहां पर पोटेंशियल मान लो वी, तो यहां भी तो वी होगा, इक्विपोटेंशियल के तो हर पॉइंट पे सेम होता है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होगा, यहां पे वी और यहां भी वी, जीरो, कि नहीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही होगा। और आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज हम क्या लेके जा रहे हैं क्यू नोट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जीरो, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा जीरो, यानी के वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज जीरो ऑन, सो अनदर पॉइंट इज जीरो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा भी हो, उसके किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप किसी चार्ज को लेके जाएंगे तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन विल बी जीरो। ये था अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक कराऊंगा, थैंक यू।